हाय फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ आज को कद्दू की रोटी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो आप लोगों ने कभी खाई है कद्दू की रोटी? तो मैं बना रही हूँ, मेरे ब्लॉग्स पे देखिए और बनाना सीखिए और खाइए। तो मैं कैसे बना रही हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग्स पे। बनने जा रहे हैं कद्दू का रोटी, खाना चाहिए फ्रेंड्स। ये मेरा लकी कड़ा है। तो क्यूटी भी आ गई है खाने के लिए, रेडी है क्यूटी भी। क्यूटी पहले इसको बॉईल करते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। इसको मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ, अभी ढक देती हूँ। तो पक जाएगा तो स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए खाने के लिए बनी रहिए मेरे ब्लॉग्स पे। पक गई होगी, देखते हैं पकती नहीं। ओ पक गई, पक गई। क्यूटी तो देख रही है खाने के लिए। तो मैंने छिलके रेडी कर लिए हैं, अभी मैं इसमें आटा गूंदने वाली हूँ। गरम है, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए और इसको ऐसे करके पलट दीजिए और इसको धीरे से ऐसे कर दीजिए। फूलेगी नहीं, फूलना तो चाहिए। फूल गई है मेरी रोटी। नचिया मेरा कंप्लीट बना के मैंने खत्म कर दी है। अभी मैं खा के दिखाऊंगी कैसे बनी है। अभी सारे मैंने बनाए हैं, देख सकते हैं। तो हो गई है रेडी, तो देख सकते हैं गरमा गरम। अभी मैं चखने वाली हूँ, तो मैं एक खा के देखती हूँ कैसे लगती है। तो ये मेरा सब्जी हो गई है रेडी, यहाँ पे मैंने बना के रख दी है।
तो ये सब्जी है बहुत खतरनाक मैंने बनाई है। मटर हमारे यहाँ बोलते हैं सीम, और आलू और टमाटर सब कुछ है, काफ़ी स्वादिष्ट बनी है, देख सकते हैं। खा के चख के बताती हूँ फ्रेंड्स कैसे बनी है। Nice. जिसका खाना हजम नहीं होती है तो ये कद्दू का रोटी बना के खाना चाहिए, तो खाना अच्छे से हजम होती है, तो इसी के लिए ये खाना बहुत ज़रूरी है। खाना हजम होते हैं, सेहत के लिए अच्छी है। तो आप लोग कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये कद्दू की रोटी बनाते हुए? अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, दिल से प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए। और भी अच्छे अच्छे डिश बना के लाऊंगी, सिखाऊंगी आप लोगों को। तो लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए, और आप लोग भी कद्दू की रोटी जरूर बना के खाइएगा। तो टाटा, मेरे ब्लॉग में मिलिए।